गाइस अभी सही एक बार बता दो तो आप लोग कुछ भी उल्टा सीधा कमेंट करो उससे पहले मैं बता दूं, ये जो मैच है, ये वाला मैच, मतलब मैं जो डाल रहा हूँ ये वाला है लाइव के अंदर खेला गया है। एक दिन हम लोगों ने दो BO3 किए थे टीम वन के साथ टीम टू के साथ, और ये है टीम वन वाला मेरा मैच। अगर आप लोग को जानना है कि अल्टीमेटली कौन जीता, उस वाले लाइव का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप लोग जरूर से जाना जाके देख लेना और अभी के लिए वीडियो एंजॉय करो। चलिए शुरू करते हैं। तो बिल्कुल नहीं, वो आदत उसका है नहीं है, पता नहीं क्या है। पर विशाल भी जो है बच गए इस जगह से और क्लासी भाई को रिवाइव कर दिया जाएगा। लेकिन थ्री वी थ्री का सिचुएशन, बिल्कुल जी हाँ गाइस, 3v3 का सिचुएशन। मदारा को ही यहाँ पे जो है डाउन किया गया है, जल्दी जल्दी से हील यहाँ पे करना चाहेंगे। ओए तेरी वन टैप नहीं, ओके चलो नॉक। NXT से अकेले एक प्लेयर जो है मैं यहाँ पे मैक्स हार लीजिए पहला राउंड। हमारे हाल तो कैसी है, हालांकि यहाँ से बहुत सारे RCB के सपोर्टर्स भी यहाँ पे आते हैं। जीजा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ा था, पर रागा ने जिस हिसाब से जो है बीच में घुसने का ट्राई किया वो सही नहीं था। और लीजिए लेट्स गॉट को भी डाउन, चलो मैडक डाउन है। पीछे जो है मदारा भी यहाँ पे डाउन, उसका एक साथ यहाँ पे निंजा के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा और प्रेशर बना के टीम को खदेड़ दिया जाएगा गाइस दूसरे राउंड की तरफ। और इसी के साथ आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा जो है गेम प्ले देखने को मिले, और क्लासी भाई की तरफ से पहला डाउन जो है निंजा को आते हुए, ओके। और वन टैप यहाँ पे खेला जा रहा है, और ठीक है ये लीजिएगा इस विशाल को डाउन, बहुत ही बढ़िया विशाल को डाउन। रागा ने इसी के साथ किया है विशाल को डाउन, रश क्या आएगा या फिर नहीं देखते हैं। 3v4 का सिचुएशन रहेगा, लेकिन NXT 3v4 का सिचुएशन संभालने में सक्षम रहेगी कि नहीं, ओके। रागा को डाउन करते हुए 2v3 का सिचुएशन आ गया है, अब जो है ये गेम घूमेगा या फिर नहीं। अकेले क्लासी भाई भाई मैं रिएक्शन दूं इसमें आप लोग बताओ, वो भी ये लोग भी फ्रीज हो गए, मैं भी फ्रीज हो गया। अरे लेफ्ट साइड से कूदना ये गड़बड़, यहाँ भारी पड़ गया, लेफ्ट साइड से कूदना ये गड़बड़ हो गया टीम के लिए। 2-1 2-1 का स्कोर, वापसी का रास्ता NXT जब देखती है तब ये इनका ट्रेन यहाँ पे कहीं ना कहीं थमता नहीं है। ओके स्ट्राइक्स निंजा की तरफ से नॉक आते हुए बहुत ही जबरदस्त। मदारा का जी नहीं, डाउन तो आया नहीं है, पर मैडक्स को जरूर यहाँ पे जो है रागा ने डाउन किया है, मैडक्स को बोल रहा हूँ, मैक्सा को मैं बार बार गलती से, और मैडक्स भी डाउन जैसे कि मैं बात कर रहा था। अकेले विशाल, विशाल के लिए रहेगा 1v3, बहुत ज्यादा मुश्किल मेरे ख्याल से हो सकता है। जी हाँ, और लीजिए इसी के साथ 3-1। मैंने क्या आंसर दिया था, गेम खेल रहे हैं नहीं गेम दिखा रहे हैं और इससे पैसा मिलता है, नहीं हाँ पूछेंगे क्या होता है इससे, मैंने बोला इससे पैसा मिलता है, मजाक नहीं कर रहा गाइस, यही मैं वहां पे देखते के लिए। ओके दिस वॉट चाहे थे यहां पे नॉकर से, लेकिन मैक्सा को पीछे से जो है मैडक्स ने यहां पे डाउन किया NXT का इस बार जो है। ओके 4-1 का स्कोर, जबरदस्त। आप किस ऐप से कर रहे हो, ये OBS है पीसी पे तो नेचुरली सब लोग OBS से ही करते हैं। विशाल का पहला डाउन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउन हो सकता है मेरे ख्याल से फ्लेक्सबॉट को अगर डाउन किया। जी हां फ्लेक्सबॉट को डाउन किया है, क्योंकि फर्स्ट नॉक फ्लेक्सबॉट की तरफ से यहां पे हर बार जो है मिलना चाहिए होता है। और लीजिए दूसरा भी निंजा के लिए 1v3, देखते हैं कैसा था। चलो निंजा, ओके रिवाइव दे दिया मदारा को, ओवर पावर्ड। ओ नो, अंदर ऐसे पागल की तरह रश करना पड़ गया भारी, और शायद से वाला राउंड जो है हाथ से जाने वाला है। देखते हैं मदारा के लिए 1v4 क्या कुछ रहता है, देखते हैं 1v4 पर मदारा सामने मैडक्स नहीं मैक्स का तो कल उस टाइम होता मेरा एकदम फिक्स टाइम रहता है। अरे तेरी क्या, अबे कौन मार रहा है।
और क्या मार रहा है, कौन मार रहा है, कुछ पता नहीं चला उस जगह पे। आगे बढ़ते हुए मैडक्स के पास, मैडक्स क्यों बोल रहा हूँ, मैक्स है यार, मैडक्स मैक्स है ना, हर बार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज है क्या चल रहा है। दो रिफ्लेक्स बॉट की तरफ से नॉक, बहुत ही बढ़िया, एनएक्सटी से दो दो प्लेयर नॉक है, पर तीसरा प्लेयर जो है इस बार साइक्स की तरफ से नॉक होते हुए हम लोग को दिख रहा है। विशाल यहाँ पे इस बार अकेले रह गया, देखते क्या कुछ रहता है। विशाल अकेले गए, यहाँ पे मदारा होने वाली है, एंड रागा 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 और मैडक्स और विशाल, और लीजिए 5-3 का स्कोर, ओवर पावर्ड। कर दो चैनल बनी हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि फ्रेंडली मैचेस उसमें भी एक मजा है, और जो है गिल्ड वॉर वो भी आने वाले हैं। इसको गिल्ड वॉर आप लोग बिल्कुल ना समझिए, फ्रेंडली मैच है, तो गिल्ड वॉर होता तो बेस्ट ऑफ 5 से यहाँ पे चालू होता, ये दो दो हम लोग गिल्ड में टाइप कर रहे हैं। ये राघा का यहाँ पे शॉट आते हुए, ओ हो डाउन आ चुका है मदारा को, राघा भी यहाँ पे डाउन, निंजा रहेंगे अकेले, बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन, और शायद अब जो है आखिरी वक्त आ गया है, बिल्कुल आखिरी वक्त आया है, और 5-4 के स्कोर के साथ या फिर जैसे पहले करवाते अपने स्क्वाड के साथ भी करवाएंगे, और जो है दूसरों के स्क्वाड के साथ भी करवाएंगे, जैसे GW के वर्सेस NXT करवाया था, NG वर्सेस NXT करवाया था। ओहो मैडक्स की तरफ से डाउन, बहुत ही बढ़िया, मेरे ख्याल से यहाँ पे एक नॉक जल्दी जल्दी से करना चाहिए, और मैड और नहीं रागा को भी डाउन, और निंजा ने जाके खत्म कर दिया, 6-4 का स्कोर, बस एक राउंड का ही बारी है, और इसी के साथ ये स्कोर क्या होगा देखते हैं, दिल की धड़कने से भाई 900 भाई का तो होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखेंगे क्यों नहीं, ऑब्वियसली देखेंगे। आपकी वजह अभी अभी सही है क्या गाइस, अभी सही है, एक बार बता दो तो। What? 6-5 का स्कोर गाइस, फ्लेक्स बॉट को डाउन नहीं देना है गाइस, फर्स्ट डाउन जिस बार भी जो है फ्लेक्स बॉट देते हो उस वाले राउंड के अंदर ही जो है हार तो निश्चित रहता ही रहता है। ओके ये बहुत गंदा मिस किया गाइस, ये बहुत ही ज्यादा गंदा मिस किया, ये मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और नहीं मदारा के लिए वन भी, और लीजिए 6-6, ओह माय गॉड, नहीं नहीं भाई 6-6,